नमस्कार जी, मैं अनिल दत्त, मैं ऋषि दयानंद गौशाला का प्रधान हूँ बाल सुन से। हमारी गांव में गौशाला में लगभग 1100-1200 गायें हैं। दूध कितना का इसमें? दूध लगभग 1.5-2 क्विंटल दूध होता है रोज का। हाँ जी, प्रतिदिन। अच्छा, तो ये बेचते हो फिर? हाँ, बेचते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो इसके खर्चे से कुछ काम चल जाता है? हाँ, 45-40 कर्मचारियों के लगभग है जी, उनकी तनख्वाह वगैरह के लिए सहायता हो जाती है इससे। सरकार भी कोई मदद करती है? हाँ, चारा वगैरह के पैसे देती है जी। तो पीछे 3 बार इस साल में 9 महीने में 3 बार किस्तें आई हैं, लगभग 9 लाख रुपए के आर बार सरकार से। अच्छा। अनुदान मिला है जी। इससे पहले नहीं मिला कभी? ना, पहले भी मिलता रहा जी। इस सरकार में मनोहर लाल जी खट्टर सरकार जब से आई है तब से गौशाला को मिलता रहा जी। ज़्यादा मिला है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप इसको गौशाला को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए सरकार से और क्या मांग कर सकते हो? आपको क्या डिमांड है आपकी? हमारी एक तो ये डिमांड है जी, गौशाला को और बढ़िया बेटर तरीके से चलाने के लिए एक तो एम्बुलेंस की ज़रूरत है जी। जैसे सड़कों पे और पे ऐसा आए बीमार गायें हो, उनको लाने में परेशानी ना हो, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। दूसरा, हम ये चाहते हैं थोड़ा ग्रांटे और का स्वरूप बड़ा होना चाहिए जी। सिलेक्टेड सी दी कितनी जगह में है ये एरिया? कितना? 27 एकड़ में है जी। अच्छा, कोई खेती बाड़ी भी करते हो इसमें? ना, खेती बाड़ी वाली तो पानी की किल्लत है जी, यहाँ ड्राई एरिया है तो इसलिए खेती बाड़ी तो नहीं हो पाती। शेड वगैरह पूरे? हाँ, शेड वगैरह सब ठीक है, क्योंकि गर्मियों के इलाके में ना वो कोई परेशानी नहीं है जी। हमारे शेड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ माननीय गावड़िया साहब, राजू गावड़िया साहब ने बुना रखे हैं। कुछ सरकार से भी अनुदान मिला था 1-2 शेड का, उन्होंने बुनाए हैं, और कुछ और डोनर जो थे उनकी तरफ से भी। शेड की कोई दिक्कत नहीं है जी, और पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। चारे वगैरह का भी गावड़िया साहब संभाल लेते हैं, दिक्कत आती है तो। सरकार से प्रार्थना करता हूँ, एक तो बिजली का बिल है, इनकम कम होने की वजह से अगर उसको होना तो ये चाहिए गौशाला का पूर्ण रूप से माफ ही जी, लेकिन फिर भी मिनिमम दर पे दिया जाए तो अच्छा है जी, राहत मिल जाए हमें। और पानी की भी जरूरत है आपको? है जी, पानी की भी जरूरत है? पानी की दिक्कत है जी काफी। तो सरकार से यही प्रार्थना है गौशाला को स्पेशल कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिजली और पानी की व्यवस्था करें। हाँ, बिजली और पानी की अगर सरकार फ्री व्यवस्था कर देती है तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गौशाला जी हम नंबर 1 बना सकते हैं हरियाणा के। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। गौशाला का मुआयना किया, निरीक्षण किया है, इसके बारे में थोड़ा विवरण दें। ये बाल समुद गौशाला में हूँ, हंसराज जी मेरे साथ ही खड़े हैं। ये बाल समुद की गौशाला के अंदर हमने प्रवास किया, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर लंपी स्किन बीमारी आई थी, हमने पूरे हरियाणा के अंदर 18 जिलों में प्रवास किया, और इस समय आदमपुर हल्के में हिसार की गौशालाओं में भी हम प्रवास कर रहे हैं और देख रहे हैं बीमारी का कितना प्रभाव रहा, कितना नहीं प्रभाव रहा, और क्या क्या समस्याएं गौशालाओं को है उसके समाधान की हम कोशिश कर रहे हैं। आज बाल समुद में आए हैं हमारे चेयरमैन साहब, हमारे हंसराज जी, और साथ में गौशाला के प्रधान और इनकी टीम, सारी की सारी गौशाला का निरीक्षण करवाया, बड़ी वैज्ञानिक ढंग से उत्तम तरह की व्यवस्था ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय बात है, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ नहीं है। जबकि चारे के रेट भी बढ़ गए हैं, सरकार की तरफ से भी प्रॉपर अनुदान जितनी मात्रा में आना चाहिए आ रहा है, और समाज भी दिन रात एक कर रहा है। हमारे यहाँ के राजेंद्र कावड़िया जी और उनकी पूरी टीम, मैं इनको बधाई देता हूँ। इस चीज़ को आप देखो कि गौ माता की सेवा के लिए कितने गौ भक्त तैयार हैं। ये आपने बीमारी का जिक्र किया, यहाँ कोई ऐसी गायें देखी आपने जिसको कोई बीमारी हो या उसका इलाज ना हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल कमेटी की जब राजस्थान के अंदर पंजाब के अंदर ये दिखाई दिया कि सड़कों पे गायें मर रही है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई, केवल 3 दिन में बाई एयर 19 लाख गायें हरियाणा में हैं, 20 लाख टीके मंगवाए गए। हमारे कृषि मंत्री जी ने, हमारे विभाग के अधिकारियों ने, सभी गौशालाओं के मैनेजमेंटों ने, गौ भक्तों ने, और कोऑर्डिनेशन के रूप में हरियाणा गौ सेवा आयोग और हमारे ACS सब ने मिलकर इस पर प्रयास किया, केवल 7 दिन में पूरे हरियाणा की गौशालाओं में और घरों में गौ माता को टीके लगे, जिससे हरियाणा में बीमारी का प्रकोप नाममात्र का आया। डोबी के अंदर अभी आपने जिक्र किया था कि अभी वहाँ पर इन्होंने गोबर प्लांट लगा रखा है आपने, उसके बारे में कुछ 2 लाइन बताइए कि क्या उपयोग हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना खर्चा लग गया? हमारे देश के अंदर विदेशों से DAP आता है,
और DAP जो खाद है उसकी मारामारी भी मचती है। और हमारे गौ माता के गोबर से हजारों साल से खेती हो रही है, और भारतवर्ष में तो खेती गौ माता के गोबर से ही हो रही है। गौ माता के बछड़े ही हल जोतते थे, गौ माता दूध देती थी, हमारे घर की व्यवस्था अर्थव्यवस्था गौ माता थी। परंतु यह है कि बीच के काल में कुछ मशीनरी का युग आने से कुछ विदेशी गायें लाने के कारण और गौ माता के बारे में जानकारी कम होने के कारण इन चीज़ों को छोड़ दिया था। पुनः इस पर काम हो रहा है, तो ढोबी के अंदर एक प्लांट लगवाया है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर परोम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, जो DAP का एक बेहतर विकल्प है, DAP से भी बढ़िया है। यहाँ के किसानों ने उसको अजमाया है, अपने खेतों में डाला है और बराबर में DAP भी डाला है, तो DAP से बढ़िया रिजल्ट हमारे किसान खुद बता रहे हैं। जो एक कट्टा DAP उसका प्रोम का लेके गया था, आज वो 10-10 एकड़ में 15-15 एकड़ में जितने उनकी ज़मीन है वहाँ उसको डाल रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक खेती का एक ये सूत्र शुरू हो गया है, और इसका प्लांट ढोबी में लगाया है जिसमें 40,000 बैग में अभी देख के आया हूँ प्लांट चल रहा है। और गोबर से बढ़ने वाला संसार का सबसे पहला ये प्रोम है, DAP का बेहतर विकल्प है। और मैं किसान बंधुओं से भी सबसे अपील करूँगा कि अपने खेतों के अंदर रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती के लिए इसका प्रयोग करें, जिससे हमारी खेती भी सुधरे और हमारे घरों में बीमारी भी ना आए और दूसरे को भी बीमारी ना बांटे, क्योंकि रासायनिक खाद से रासायनिक दवाइयों से बीमारी ही बढ़ती है और लोग परेशान होते हैं। दुबई के अंदर सुना है कि गोबर की भारत के कहे कि गोबर की भी दुआ है, कि भी दुबई के अंदर इससे कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिससे बीमारियों का इलाज होगा। भारतीय संस्कृति के अंदर जो चीज़ें भी दी गई हैं वो सब वैज्ञानिक है, हमारे ऋषि मुनियों ने परख के उन चीज़ों को लागू किया और तभी गायें को माता माना, नहीं तो बाकी जीवों की तरह गायें भी जीव है। परंतु इसके गोबर में भी लक्ष्मी का वास बताया, इसके गौमूत्र में गंगा जी का वास बताया, गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास बताया। क्यों बताया? कि गौ माता जो अलग है वो संसार में सबसे अलग है, और उस गोबर से जो गोबर के अंदर तत्व हैं वो खेती के लिए संपूर्ण तत्व है। गौ संवर्धन की बात अगर करें हम, तो आपने एक योजना बनाई थी गौ संवर्धन की, उसके बारे में कितना काम? गौ संवर्धन पे बहुत काम हो रहा है, और जैसे आपने इसकी खाद की बात की तो अभी किसानों ने इसको शुरू कर दिया है, इसी प्रकार से हमने सेक्स सॉर्टेड सीमन शुरू करवाया है जिसमें 85% केवल बछड़ी बछड़ी आएंगी, और वो भी उत्तम नस्ल की। जो 2 किलो दूध देने वाली गायें हैं उसको 8-8 किलो 10-10 12-12 किलो दूध की बछड़ियाँ पैदा होंगी, और उस वो टिक्का 1100-1200 रुपये का गवर्नमेंट को पड़ता है और केवल 200 रुपये का किसान को और गौशालाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, और बहुत से किसानों ने गौशाला ने उसको लगा के और उसका लाभ लिया है। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से गौ संवर्धन हो रहा है, गौ माता के गोबर से गौमूत्र से अनेकों गौमूत्र से फिनाइल बन रही है, गौ माता के गोबर से मूर्तियाँ बन रही है, धूप बत्ती बन रही है, और आपके ये खाद बन रहा है, बहुत चीज़ें बढ़नी शुरू होगी, 150 प्रकार की चीज़ें आप भी देखेंगे तो कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी चीज़ें भारतीय संस्कृति पुनः उठ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। धन्यवाद आपका अच्छी बातें बताने के लिए, और उम्मीद है कि गौ संवर्धन के बाद हमारी गायों में नस्लों में सुधार होगा और सड़कों पर गाय हमें घूमते हुए नहीं मिलेगी। अच्छी नस्ल की गायें हों तो सड़कों पर नहीं मिलती, और ये जो बेकार गायें हो जाती है दूध नहीं देती है तभी सड़कों पर आती हैं, और तभी इतनी गौशालाओं में इतना खर्चा उठाना पड़ता है। धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।